स्वामी जी, आपकी बात सुनने से मुझे अनुभव हुआ जो मैंने प्रश्न किया था कि पुराने हमारे सबसे जो वेद है उन वेदों में धर्म शब्द ज्यादा आया, आपने उसको सपोर्ट किया, सही है। उसके बाद में जब धर्म शब्द और जूं-जूं बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि के विकास के साथ साथ में बौद्धिक लोगों ने देखा कि धर्म शब्द इतना गहन है कि अकेला धर्म से काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म तो एक जीवन जीने की पद्धति है, कुछ सिद्धांत भी चाहिए। तो बौद्धिक वर्गों ने दर्शन को जन्म दिया और आज पूरे विश्व में 365 तरह के धर्म दर्शनों से मैं हर 5 साल बार रूबरू होता हूं, और भारत के तो 55 धर्म दर्शन को जहां पढ़ाए जाते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं। तो दर्शन शब्द बाद में जुड़ा। अब देखिए, जब ये धर्म को ज्यादा लोगों ने संप्रदाय से जोड़ के, धर्म कोई बुरा नहीं है, संप्रदाय से जोड़ा और इसकी थोड़ी अवहेलना होगी, तो लोग अध्यात्म पुराना शब्द है, पॉपुलरिटी हुई। और अब जो मैंने आपसे देखा कि इनमें अध्यात्म, धर्म और दर्शन, इन सब तो शब्दों में थोड़ी विकृति आने लग गई, क्रिया कांड में चले गए लोग, रिचुअल्स के अंदर चले गए और एकांतवादी हो गए कि मेरे यहां ही मोक्ष है और क्रिया कांड से मोक्ष है। तो जो मैं आपकी बातों से समझा कि आपने जो वर्तमान में प्रचलित जो विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान देकर के लोगों की समझ को बहुत पुष्ट किया कि अध्यात्म, धर्म, दर्शन सब एक ही बातें हैं, लेकिन इसका विकृत रूप न करके इसको सही रूप में जैसे पैदा हुआ था रखें। तो अध्यात्म विज्ञान एक ऐसा शब्द है जहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, उसमें सिद्धांत जुड़ जाता है और वही कुदरत का कानून बनता है, वही सनातन सत्य बनता है। तो मैं आपकी बात से ये समझा। तो स्वामी जी, इन सब बातों को आप भी अपने एंगल से रखिए। धन्यवाद। तो बात तो सही है कि हमने भी यही बातों को विज्ञान के रूप में इसीलिए रखा, किस कलयुग के अंदर और वर्तमान जीवन के अंदर विज्ञान शब्द को लोग प्रमाणभूत मानते हैं, सैद्धांतिक मानते हैं, बड़े बड़े थिंकर लोग भी इनको स्वीकार करते हैं। जब विज्ञान शब्द की बात करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे, तो वो भी कहेंगे कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि सिद्धांत मेरे को समझ में ना भी आए, मगर मैं सिद्धांत को पड़कार नहीं करूंगा, इतना कहूंगा कि अभी मेरे को समझ में नहीं आता है। मगर मैं संप्रदाय की बात करूंगा, व्यू पॉइंट की बात करूंगा, तो लोग कहेंगे भाई आपका व्यू पॉइंट ये है और मेरा व्यू पॉइंट ये है, यानी डायरेक्ट क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गया। विज्ञान में डिफरेंसेस नहीं होता है, क्योंकि वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है और वो सनातन सत्य है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो विज्ञान शब्द का जो प्रयोग आज चल रहा है, आज हिंदुस्तान में आप टीवी पे या यूट्यूब पे जितने भी धर्म संप्रदाय के गुरु लोग प्रवचन करते हैं, इसका प्रवचन आप सुनोगे तो मालूम होगा आपको, आज दुनिया के भी जितने भी प्रवचनकार हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, सब लोग अपने प्रवचन में धीरे धीरे ये विज्ञान शब्द को जोड़ता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, खास करके यंगस्टर, इस विज्ञान को तवज्जो देते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल होता है। श्रद्धा की बात नहीं है, मानने की बात नहीं है, देयर इज सम लॉजिक ऑन अ साइंस। तो यंग जनरेशन को तुरंत समझ में आ जाता है और तुरंत प्रश्न कर लेते हैं कि हमारे धर्म में तो ये कहा है और विज्ञान तो ऐसा है। तो धीरे धीरे धर्मगुरु भी अपने प्रवचन में, अपने उपदेश में, अपने सत्संग में विज्ञान शब्द का प्रयोग जोड़ देते हैं, ताकि लोगों को उनकी बातें भी साइंटिफिक लगे। मैंने बहुत सारे धर्मगुरुओं का प्रवचन समय समय पे यूट्यूब पे देखा है। इसका प्रवचन आप 5 साल पहले सुनोगे और आज सुनोगे, इसमें डिफरेंस क्या होगा? प्रेजेंटेशन वही होगा,
जो पहले करता था, मगर आज जो करते हैं वो विज्ञान शब्द बोल के करते हैं, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा ये है। तो इसीलिए मैंने कहा कि लोग धीरे धीरे विज्ञान शब्द का प्रयोग करके अपने धर्म को भी साइंटिफिक है ऐसा प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। पहले धर्म को क्रियाकांड में बता के क्रियाकांड करने का प्रयास करते थे, अभी धीरे धीरे साधु संत संन्यासी को समझ में आया कि विज्ञान की बात नहीं करेंगे और सिर्फ क्रिया की बात करेंगे तो यंग जनरेशन चली जाएगी। तो इसीलिए वही बातों को वो विज्ञान के रूप में पेश करके बताना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज विज्ञान शब्द प्रमाणित तो हो चुका है, लोग मानने लगे हैं, लोग स्वीकार करने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं, और जो बात लोग समझते हैं उसी भाषा में हम बात करेंगे तो ये बात लोगों के सामने जल्दी स्वीकृत होगी और लोग उसका लाभ भी उठा सकेंगे, यही हमारा आशय है।